नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। इट्स मी रणबीर सिंह थोदाम, बैक अगेन विद अ न्यू व्लॉग्स। तो फिलहाल अभी सुबह का टाइम हो चुका है 7:42 और अभी अभी उठा हूँ मैं। सोचा था कि बहुत जल्द उठूँ आज, क्योंकि आज जो है इंडिपेंडेंस डे है। सभी मेरे व्यूअर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और फिलहाल मैं अभी जाने वाला हूँ स्कूल में, क्योंकि वहाँ पर NCC को बच्चों ने आज NCC का कुछ पैरेड या कुछ यू नो फ्लैग होस्टिंग वगैरह शायद करेंगे। तो वहाँ पर मुझे को बुलाया है, वहाँ पर जाना है, तो थोड़ा सा लेट हो गया। ओके, तो चलते हैं। और तो चलिए, वहाँ का सीन कैसा है देखते हैं। चलो चलो, अभी देर हो गया। कहीं पर जाना है क्या भाई अभी? बंदे मातरम। नहीं, कहीं पर जाना है? मैं तो सोच रहा हूँ सब आजम बंद करके। क्यों, क्या करना है, क्या है? कस्टमर तो है नहीं, बंद कर दाइलो। ना तो फिर भी तो बोल रहे थे ना वो नरेंद्र मोदी जी आदरणीय, जागो मेरे भारतवासी, समय नहीं है सोने का। लेके संजय स्वामी जी का नमस्कार गाना है, गाना। तो फिलहाल हम पहुंच गए स्कूल में और देखते हैं वहां पर बच्चा NCC का बच्चा लोग। तो हम पहुंच गए यहां पर और यहां पर देखो बच्चों लोग थोड़ा सा सोशल वर्किंग कर रहे हैं यहां पर। कब शुरू होगा राजीव सर? कब शुरू होगा? 8:30 से शुरू करें। अरे यार, मेरे को भी निकलना है अभी, फिर क्या करें। जल्दी जल्दी। कितने कैडेट्स का अभी तक यूनिफॉर्म नहीं है? नया कैडेट्स का नहीं है ना? ये नया कैडेट है, कितना लोग है वो गिनती करो। कैडेट यूनिफॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कितने कितना जाना तुम्हारा? नहीं है? हाँ मोहित, किसकी का नो यूनिफॉर्म? मैंने क्या बोला? यूनिफॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों फिलहाल मैं हूँ अपने स्कूल में और यहाँ पर सब तैयारियाँ चल रहा है आज का इंडिपेंडेंस डे का। और फिलहाल आज थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि मेरे पास आज है यहाँ पर GoPro क्या ये मैक्स GoPro मैक्स। तो फिलहाल इससे हम ट्राई करेंगे आज का व्लॉगिंग, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और चलते आप अपने कैडेट्स के पार्ट। अभी चुपचाप से बैठना है, जब तक जिस शरीर को सुनना है तब तक सिग्नल नहीं बोला था, तब तक चुपचाप से बैठा है। लेट्स गो, लाइन कोड सिग्नल वाली कॉलिंग करते हैं। 1, 2, 3, 4 Okay, once again, Happy Independence Day to each and everyone who is viewing my video right now. तो फिलहाल अभी भी हम अपने स्कूल में हैं और यहाँ पर बच्चों का थोड़ा सा तैयारी चल रहा है। थोड़ा सा जल्दी है मेरे को भी, क्योंकि यहाँ पर ख़त्म करके फिर जाना है कांकोपी में, जो कि यहाँ
सोचा था कि आज थोड़ा सा नए अंदाज में ब्लॉग बनाऊं गोप्रो मैक्स के साथ, लेकिन कनेक्ट हो नहीं पा रहा है मेरे फ़ोन पे। मामा दिखाओ तो ये रहा गोप्रो मैक्स। और सोचा था कि इसे ब्लॉग बनाऊं क्योंकि मेरे को निकलना है, कांगोपी की और भी जाना है, तो सोचा था कि राइडिंग में यूज़ करूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो फिलहाल देखते हैं, फिर मिलते हैं वहीं पर। वीडियो के अंत तक जरूर रहेगा। और फिलहाल यहाँ पर
सीनियर टीम और सर की तरफ से जो छोटा सा टास्क दिया गया था कैडेट्स को, मतलब इंडिपेंडेंस डे में कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स या तो कुछ रिप्रेजेंट जो भी हो क्रिएटिविटी क्रिएटिव करके कुछ सबमिट करने को बोला था, तो वो कर दिया है सारे कैडेट्स में। और उसमें से हम सीनियर्स और सर ने मिलके सेलेक्ट किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ पांच सेलेक्ट किया है। तो अभी हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुलाना चाहते हैं और फर्स्ट प्राइस से हम शुरू करते हैं। और पहला प्राइस मिलता है स्मृति शिवाकोटी। इसी बीच हम सेकेंड प्राइज के विनर को बुलाना चाहते हैं चंपा कुमारी। followed by Apitsa Pokhrel, cadet Apitsa Pokhrel. Okay, NCC clap, go! प्राइस के लिए हम बुलाना चाहते हैं श्रद्धा पांडे, कैडेट श्रद्धा पांडे। एनसीसी क्लब गो। और इसके बाद अगला प्राइस मिलता है पूनम ठाकुरी। ओके एनसीसी क्लब गो। हम समाप्त करना चाहते हैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन को। थैंक यू। आज 75 स्वतंत्र दिवस दिन में सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी कैडेट्स को कि मुझे इस इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक भारत का एक सिटीजन और हमारा जो पुरखो जो हेरोइक पुरखो ये दिमाग में रखना है कि हम भी उसी पूर्वजों का खून दौड़ा हुआ है हमारे शरीर में और ऐसे ही देशभक्त दिखाना है। देशभक्ति हर एक नागरिक जो भारत के नागरिक के खून में होना चाहिए। तो यही कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ आज का ये सेलिब्रेशन और हम थोड़ा सा जय जय जयकार लगाते हैं जोर से। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ओके रेड सातान एनसीसी क्लब गो। अभी
बुलाना चाहते हैं हमारे सीनियर डिवीजन के अर्जुन सिमरिया जी को। मॉर्निंग ऑल कैडेट। मॉर्निंग सीनियर। मैं इस इंडिपेंडेंस डे के बारे में तुम्हें नहीं बताऊंगा, इस समय सब बता दिया ना। तो मैं ऐसे एनसीसी कैडेट, आप लोगों का रोल, आप लोगों का एक हिम्मत बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं तो एक्स कैडेट हूँ, है कि नहीं? मेरा कोई यहाँ पे उतना भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आता हूँ आप लोगों को हौसला देने के लिए, समझ रहे हो ना? या तो मैं क्यों आऊँ यहाँ पे, है ना? बट यू आर ए कैडेट, है ना, एंड आई एम अ सीनियर। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि यहाँ के एरिया के मैं भी थोड़ा गाइडेंस दूँ, है ना? तो तुम लोगों को ये नहीं पता है कि एनसीसी कौन सा प्लेटफॉर्म है, तुम लोग कहाँ पे हो अभी तुम लोगों को पता ही नहीं है, है कि नहीं? तुम लोग जस्ट एनसीसी है बोल के ऐसे आ रहे हो, लेकिन कितना बड़ा इसमें पता है? एनसीसी यूथ के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर तुम लोग इसके बारे में, मैंने पहले भी बताया है, अगर तुम लोगों ने इसके बारे में अगर थोड़ा सा भी रिसर्च किया होता तो तुम लोग गर्व महसूस करते कि मैं आज एक एनसीसी कैडेट हूँ, जो कि नॉर्मल जो भी नहीं हो सकता है, है कि नहीं? दूसरे स्कूल या फिर कॉलेज में जाके अटेस्ट होने के लिए इतना मुश्किल होता है ना, वहाँ पे वैकेंसी होता है। जूनियर के लिए तो ज्वाइन कर सकते हो, वैकेंसी बहुत होता है, लेकिन सीनियर के लिए बहुत कम होता है। तुम लोग मेहनत करो और सीनियर डिवीजन में जाओ, सीनियर डिवीजन में जाके तुम लोगों को पता चलेगा कि एनसीसी क्या है, कैंप में जाके पता चलेगा कि तुम लोग एनसीसी क्या है। कॉन्फिडेंस, देखो हम लोग लाइफ में क्या है जरूरी, सबसे जरूरी होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है कि नहीं? तुम लोग हो पाएगा, लेकिन क्या है, तुम लोग होप डाउन करते हो, ट्राई करो, ट्राई करने से ही होता है, समझ रहे हो ना? मैं इतने में अपना वोट समाप्त करना चाहता हूँ, समझ रहे हो ना? जो भी हो, थैंक यू। ओके एनसीसी क्लब गो। और हम अभी समाप्त करने वाले हैं और रिप्लेसमेंट होगा अभी, और अभी ये टफ टाइम चल रहा है, तो हर हफ्ते एनसीसी करना मुश्किल होगा जब तक सिचुएशन। तो दोस्तों फिलहाल अभी हूँ मैं अपने घर में और अभी शाम का लगभग 1:30 हो चुका है और पता ही नहीं चला आज का वक्त कैसे गुजर गया। बस वहीं पर एनसीसी कैडेट के साथ थोड़ा सा वक्त बिताया आज, वही इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के सिलसिले में। और जिन भी लोग मेरा वीडियो ये अंत तक देख रहे हो, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और थोड़ा सा वीडियो तो लंबा ही हो गया, पता नहीं आपको कैसा लगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक बटन दबाएगा, और अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबाएगा। तो आज के लिए मैं यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ, बाकी ये जो वीडियो है अभी एडिट करना है, उसके बाद अपलोड में लगा देना है। तो वैसे करके मैं अभी थोड़ा रिलैक्स करूँगा, थोड़ा विश्राम करूँगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।